भाई दोस्तों राम राम, ये देखो भाई उधर सो रहा है, ये देखो चाचा उधर सो रहे हैं, ये देखो भतीजा इधर सो रहा है, और ये पन्नू ये जाग गई है। जाग क्या बात गई है आज मैं बहुत लेट हो गई, सपनों में खो गए थे। हाँ सपनों में? क्या हो गया सपनों में, क्या देख लिया? बस मैं निकली थी हाँ बाहर तो मैं हाँ भटक गई रास्ता, अच्छा तो मैं चलते रहे एक बिल्डिंग मिली, मैंने कहा यहीं से रास्ता होगी शॉर्टकट की, वहाँ भी नहीं। जो मैंने अंदर कदम रखा तो उसमें कई सीढ़ियाँ और कई मतलब वो मंजिल की थी, जिस जगह जाओ तो वो हमें नीचे ना उतार के वो ऊपर चढ़ाती ले गई। अच्छा तो ऐसे अगल बगल के सारे मकान थे हाँ तो वहाँ पर भी मैं पूछते अंकल मिले बाबा जो मतलब बुजुर्ग बड़ा सबसे बच्चे भी, मैं कह रहे भैया मुझे ऐसे ऐसे जाना वहाँ राजपूत कंप्यूटर की मैं भटक गए, तो कह रहे नहीं, हम कह रहे तो मुझे आप रोडी से छुड़वा दो, वो कह रहे हमें जी पता नहीं है किधर है क्या है, कह रहे ऐसे चले जाओ तो उधर जाए तो खेत दिखाई दें कहीं कुछ, मतलब रास्ता नहीं मिली। तो दो बहनें हमें मिली एक ही परिवार की, तो मैं उनसे मिले मतलब उसी बिल्डिंग में, तो मैंने उनको बोला दीदी मुझे ऐसे ऐसे जाना रोड पे, कह रहा ठीक है मैं आपको छुड़वा देंगे आप थोड़ा रुको। मैंने कहा रुकेंगे नहीं, काफ़ी लेट हो गए, अगर आपके पास फ़ोन है तो मुझे फ़ोन दे दो मैं अपने घर पे फ़ोन कर दें, कह रहे दीदी फ़ोन तो नहीं है, तो मैंने कहा मुझे आप छुड़वा दो। और वो लोग कई लोग अंकल थे आंटी थी उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो मतलब मुझे छोड़ने के लिए आए, मैं कहे कितनी दूर रोड है अभी रोड भी नहीं मिल रहा, वो जहाँ लोग मिल जाते तो वो उन्हीं से बात करने लगते थे, अच्छा तो मतलब कोई उनका अता पता नहीं था कि वो मुझे कब तक रोड तक पहुंचाते क्या होता कुछ नहीं पता, पर मुझे चिंता हो रही थी अपने घर की और बच्चों की, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जिस टाइम निकलते हैं सूरज छिपने से पहले मैं अपने घर पहुंच जाए, कहीं भी हो मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहे मेरे पास फ़ोन नहीं, मेरे घर वाले भी बहुत चिंता कर रहे होंगे। अच्छा हाँ जाओ मतलब आज मेरे बोला दिमाग में यही, सपने में भी घर ही घर हाँ है घर ही, कि फिर। मैं कहीं भी हूँ किसी के भी साथ हूँ मैं अपने घर टाइम से पहुँचते हैं, तो सपनों में मनु तो भाई टाइम से नहीं आते। हाँ। तो और सबसे अच्छा बड़ी बात ये थी कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं किसी के आगे मतलब ये नहीं करते कि कल तो मैं आज मैं सुबह रात को बहुत मजबूर हो गए कि मेरे पास फ़ोन होता तो मैं फ़ोन कर देते कि मैं इस जगह हैं और मैं यहाँ बैठे हैं, तो मन्नू भाई लेने आ जाते, तो इसलिए आज पन्नू बहुत लेट हो गई, तो मैंने कहा चलो मैं सुनाते हैं कि आज किस लिए लेट हुई। तो भैया ये था पन्नू का सपना। कहते हैं ना भाई, आज रात को गर्मी बहुत थी बेचारे और अभी जगे हैं, तो उठते ही मैं से पूछा, मैंने क्या बात है भाई, क्या सोच रही है? तो बोले कि ऐसी बात है, मैं रात भर सपने में सोती रही, सपने ही देखती रही, मतलब बहुत और मतलब भटक गए बहुत हाँ बुरी सपने तरीके में से। भटक गई भाई, सपने में पन्नू भटक गई। तो इसके साथ क्या हुआ वो हमने आपको बताया। तो और आज मुख्य बात यह है कि आज मेरे बच्चे भी लेट हो गए तो मुझे ऐसा ही नाश्ता उनके लिए बनाना पड़ेगा। देखते पन्नू नाश्ते में क्या बनाएगी। तो भैया अगर आपको पन्नू का, ये कहते हैं ना पन्नू का सपना, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भैया पक्का ऑन कर लेना। कारण है कि ऐसी मज़ेदार कहानियाँ, किस्से, और जो कहते हैं ना ये डेली के, हकीकत की है, हाँ मतलब डेली के इंसिडेंट हम आपको दिखाते रहते हैं शॉर्ट्स के जरिए, वीडियो के जरिए। तो दोस्तों सदैव खुश रहिए और मनु पन्नू के साथ मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, श्री राम। जय श्री राम।